बड़ी खबर यह है कि ये देखिए जिनपिंग की बाइडेन को चेतावनी, चीन को दबाने की कोशिश ना करें अमेरिका, नकारात्मक पहलुओं से दूर है अमेरिका। जिनपिंग बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत, पहली लाइन खबर की यह थी। बाइडेन की जिनपिंग को दो टूक, नया शीत युद्ध नहीं चाहता अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। जिनपिंग बाइडेन की बात बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर पर। जो बाइडेन और शी जिनपिंग में फोन पर बातचीत हुई, बड़ी खबर ये इस वक्त की पहली लाइन में आपको दिखा रहा हूं। चीन के विकास को दबाने की कोशिश ना करें अमेरिका, जिनपिंग ने कहा। ये देखिए अमेरिका की कोशिशों पर चीन आके मुंह नहीं रख सकता है, ये देखिए जिनपिंग ने कहा। आज जिनपिंग ने कहा नकारात्मक पहलुओं से दूर रहे अमेरिका। चीन के खिलाफ बाइडेन का रुख थोड़ा नरम नजर आया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर चेतावनी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। किम की सेना ने दागी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल विद अ वीडियो। हाइपरसोनिक होंगसाफो मिसाइल का परीक्षण किया गया। मिसाइल ने तय की 1000 किलोमीटर की दूरी। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। किम की न्यूक्लियर वार्निंग, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल की ताकत दिखाई, इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बार सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल अदा की है। ये देखिए होंगसाफो 16B ने करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय की। ये देखिए जरा, किम ने कहा नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर वॉरहेड पूरा हुआ। ये देखिए जरा, सभी रेंज की टैक्टिकल ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक मिसाइलें मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया ने इस साल अब तक 4 मिसाइलें टेस्ट की हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और लेकिन अब एक बार ये ओरिजिनल विजुअल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर से दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट के। ये ओरिजिनल विजुअल्स हमारे सामने आए, देखिए जरा। एक तरफ शी जिनपिंग और बाइडेन की बातचीत हो रही है, वो भी ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। और अब से ठीक 1 मिनट बाद आपको टिकर में भी ब्रेकिंग जबानी दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाई। एक तरफ किम न्यूक्लियर मिसाइलें टेस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलें, दूसरी तरफ बाइडेन। अब सीधा आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं आज की बड़ी खबर, पहले कैम 4 पर आएंगे, फिर फ्लोर पर आएंगे और फिर शॉर्ट्स पर आएंगे। लेकिन यह बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, पोलैंड से जंग, बड़ी खबर। पोलैंड कर रहा है बड़े जंग की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड पहुंची अब्राहम टैंक्स को की बड़ी खेप, ये देखिए जरा। पोलैंड को अमेरिका से मिले 116 M1A1 अब्राहम टैंक्स। वेसोल में वॉर्सो आर्मर्ड ब्रिगेड को मिले M1A1 अब्राहम टैंक। रूसी धमकी के बीच लगातार ताकत बढ़ा रहा है पोलैंड, ब्रेकिंग और शॉट्स। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, बल्कि आई स्टैंड करेक्टेड, सॉरी, ब्रेकिंग और शॉट। पोलैंड कर रहा है बड़े जंग की तैयारी, ये देखिए जरा। पोलैंड पहुंची है अब्राहम टैंकों की बड़ी खेप, ये देखिए। लोकेशन प्लीज, और टिकर में खबर दिखाइएगा, ये देखिए जरा। लोकेशन प्लीज, ये देखिए जरा। पोलैंड को मिले, अमेरिका से मिले 116 M1A1 अब्राहम टैंक्स। वेसोल में वॉर्सो आर्मर्ड ब्रिगेड को मिले M1A1 अब्राहम टैंक्स। रूसी धमकी के बीच लगातार ताकत बढ़ा रहा है पोलैंड, ये देखिए जरा। ये देखिए, ये पोलैंड की जो तैयारी है उसके शॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा एक बार। लोकेशन जरूर लिखें प्लीज। पोलैंड जो है अब्राहम टैंक्स पहुंच रहे हैं। ये अब्राहम टैंक्स आज से करीब 3 साल पहले, बल्कि हां 3 साल पहले प्रॉमिस किए गए थे। ये देखिए, सीधा आइए,
अब वॉर मोड में पोलैंड। अब जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, सीधा आइए बगल में सुनील, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइएगा। वॉर मोड में पोलैंड, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे पास जानकारी आ रही है। सीधे प्ले ऑन करिए, ये जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है वेरी स्लो, ये देखिए। अब आइए वॉर मोड में पोलैंड, इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड ने के वेसोल पहुंची अब्राम टैंकों की बड़ी खेप, ये देखिए जरा। अमेरिका से मिले 116 M1A1 अब्राम टैंकों की पहली खेप, ये देखिए। पोलैंड को अमेरिका से घातक F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं। पोलैंड में नेटो सैनिकों की तादाद बढ़ी है। पोलैंड ने रशिया क्या होता है, बॉर्डर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। पोलैंड कैलिनग्राद के बीच सुवाल की गैप को लेकर रूस ने तरातरी, ये देखिए। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, नेटो से बड़े जंग की तैयारी में बेलारूस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बेलारूस, लिथुआनिया पोलैंड बॉर्डर के नजदीक बेलारूस की ड्रिल, सवाल की गैप को लेकर लिथुआनिया पोलैंड को धमकी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड टैंक पहुंच रहे हैं और ये सवाल की बॉर्डर पर जो तैयारी चल रही है, ये देखिए जरा। मैं जाऊंगा पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, इस खबर का मैप यहां पर दिखाइए, ये देखिए जरा। पोलैंड से बड़े जंग की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। पहले इस मैप को देखिए, अब आप, ये है बेलारूस। अच्छा, जैसे आपको दिखेगा नहीं, ये बेलारूस है, हम सब जानते हैं, ये पोलैंड है, लेकिन लड़ाई इस गैप की चल रही है। ये है सवाल की गैप, कहा जा रहा है कि रशिया इस पर कब्जा करना चाहता है। अब ये देखिए, बेलारूस कर रहा है बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास, इस वक्त की बड़ी खबर। नेक्स्ट, सवाल की गैप पर हमले को लेकर डिस्कस कर रहे हैं लुकाशेंको, डिस्कस कर रहे हैं, हमले की तैयारी कर रहे लुकाशेंको। बेलारूस ने पोलैंड और लिथुआनिया को धमकी दी है, बड़ी खबर। ये देखिए, सवाल की गैप पर कब्जा करना रूस का अगला टारगेट, ये देखिए। फिर अमेरिकी चुनावों के दौरान रूस शुरू करेगा मिशन जर्मनी का दावा, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, ये बहुत बड़ी खबर है, योर टेक। सबसे पहले ये कहूंगा कि रशिया यूक्रेन वॉर जो 2 साल से चल रहा है, रशिया अभी काफी मिलिटेरली वीक हो चुका है, वीक भी नहीं कहूं तो उसकी सैन्य शक्ति में डेफिनेटली कमी आई है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि यूरोप के अंदर खासकर नेटो के किसी भी कंट्री के साथ वो वॉर करे, ताकि सारी की सारी नेटो की शक्ति उसके अगेंस्ट इस्तेमाल की जाए, इसी वजह से हमेशा न्यूक्लियर धमकी देता है। लेकिन हाँ, जैसे आप कह रहे हैं, ये गैप को अपने कब्जे में लेना, ताकि बेलारूस से कालिनग्राद जो एरिया है वो पूरा का पूरा रशिया के साथ आ जाए, और वो दोनों वो काट देता है जो लिथुनिया, एस्टोनिया और लातविया की तरफ जाता है एरिया। तो कहीं ना कहीं जो नाटो फोर्सेस के लिए जो ग्राउंड का एक लिंक था, उसको तोड़ने की डेफिनेटली कोशिश कर सकता है, लेकिन कोई भी युद्ध ऐसा नहीं करेगा जिससे पूरी की पूरी नेटो फोर्सेस रशिया के साथ। सर, आप जो बताने में, आपको एक और खबर बताने वाला हूं, सीधे आइए फ्लोर पर। रूस में विध्वंसक हमलों के पीछे पश्चिमी देश, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के पीछे वेस्ट का दिमाग, रूस के अंदर 1100 किलोमीटर तक कामिकाजी ड्रोन अटैक, पेंटागन के डायरेक्शन पर हाईमार्स का इस्तेमाल, कीव के ड्रोन प्रोग्राम पर सीएनएन का बहुत बड़ा दावा। सीधा ये फ्लोर पर बड़ी खबर, और फ्लोर के साथ जो पोलैंड के वॉर्सो वाली खबर है, मैं चाहूंगा उसको बगल में प्ले करिए ब्रेकिंग और शॉर्ट, टैंको वाली खबर को, ये देखिए। अब देखिए, यूक्रेन का विध्वंसक हमला, पश्चिम का दिमाग, रूस में विध्वंसक ड्रोन हमलों में मदद कर रहे हैं पश्चिमी देश, ये देखिए जरा। रूस के अंदर 1100 किलोमीटर तक कामिकाजी ड्रोन अटैक, मॉस्को से 650 किलोमीटर पूर्व तार्तस्तान में ड्रोन अटैक से रूस में हड़कंप, बॉर्डर से 1100 किलोमीटर दूर रिफाइनरी पर हमला किया गया, कीव के ड्रोन कंट्रोल सेंटर में पश्चिमी एक्सपर्ट कर रहे हैं ड्रोन उड़ाने की मदद। अब सुनील, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट जिसको मैं पढ़ रहा हूं अभी, आप पोलैंड वाली ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखिएगा, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए, अमेरिकी चुनाव से पहले स्टोल्टनबर्ग की बड़ी चाल, ब्रेकिंग। ट्रंप के सत्ता में आने की संभावना के बीच नेटो की तैयारी, नेटो मिलिट्री कंट्रोल सेंटर को रामस्टीन से कीव ले जाने की कोशिश, चेंज करिए शॉट। नेटो विदेश मंत्रियों की बैठक में स्टोल्टनबर्ग रखेंगे प्रस्ताव, यूक्रेन को डोनाल्ड ट्रंप से बचाने की तैयारी कर रहे हैं स्टोल्टनबर्ग।
यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, अमेरिका चुनाव से पहले नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग की बड़ी चाल। यह देखिए जो जानकारी मेरे सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने की बीच संभावना के बीच नेटो की तैयारी। सुनील से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। नेटो मिलिट्री कंट्रोल सेंटर को जर्मनी के रैमस्टीन से कीव ले जाने की कोशिश। ट्रंप की जीतने के बाद भी यूक्रेन को मदद जारी रहे, इसकी तैयारी कर रहे स्टोल्टनबर्ग। सीधे छोड़िए सुनील, इससे पहले कि तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट निकालिए, सीधे चलिए बख्शी सर के पास। आप बख्शी सर, बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ पहली खबर क्या है, पहली खबर यह है कि पोलैंड के पास टैंक्स पहुंचे, दूसरी खबर है बेलारूस तैयारी कर रहा है, और तीसरी खबर जो कि अभी अभी हमने दिखाई कि किस तरीके से नेटो देश मदद कर रहे हैं। योर टेक सर, वेयर इज इट गोइंग? सुनील थर्ड ब्रेकिंग चेंज करिए। देखिए ये जो पिछले साल जो ग्राउंड काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने किया था वो बुरी तरह फेल हुआ है, और जमीनी जंग में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है। अब जो अमेरिकी जो अमेरिकन्स हैं, जो नेटो कंट्रीज हैं, वो लॉस ऑफ फेस नहीं चाहते। उनको अंदेशा है कि अब रूस अपना पलटवार करने वाला है यूक्रेन के अंदर, चाहे वो कीव की तरफ, खारकीव की तरफ या ओडेसा की तरफ हमला करेगा। इस हमले को डिटर करने के लिए फ्रांस पोलैंड धमकी दे रहे हैं कि वो यूक्रेन में बूट्स ऑन ग्राउंड। सर मैं आपको पूछना चाहूंगा, मेरी टीम ने, मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी, उन्होंने अभी अभी मुझे एक खबर दी है। प्लीज पार्डन मी एंड यू विल बी शॉक टू हियर दिस। आप सुनील इस खबर को कैम फोर पर लीजिएगा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि अभी अभी आई है, मेरे बगल में देखिएगा, क्रीमिया ब्रिज की तबाही की आई तारीख। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, जून 2024 तक ब्रिज को उड़ाने की तैयारी। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बनाया तबाही का प्लान। यूक्रेन के सीनियर खुफिया अधिकारियों के हवाले से खबर, क्रीमिया ब्रिज 3 साल में यूक्रेन 4 बार कर चुका है हमले। पहले सिर्फ कैंप 4 पर मुझे कुछ बताना है दर्शकों को, फिर इस खबर को ब्रेकिंग और शॉट्स लेंगे। यकीन मानिए, क्रीमिया ब्रिज पुतिन की प्रेस्टीज है। क्रीमिया ब्रिज पुतिन ने बनवाया है क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद, और वो सीधे सीधे पुतिन को टारगेट कर रहे हैं। ब्रेक करिए विद द शॉट्स इस वक्त की बड़ी खबर, क्रीमिया ब्रिज के तबाही की आई तारीख। ये देखिए जरा, जून 2024 तक ब्रिज को उड़ाने की तैयारी। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बनाया तबाही का प्लान। यूक्रेन के सीनियर खुफिया अधिकारियों के हवाले से दावा, 3 साल में यूक्रेन 4 बार कर चुका है क्रीमिया ब्रिज पर हमला। सीधा आइए फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर ये देखिए, और फ्लोर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा, तेजी से आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्रीमिया ब्रिज के तबाही का प्लान आ चुका है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये देखिए, रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाली कर्ज ब्रिज के तबाही की आई तारीख। सिर्फ फ्लोर रखिए सुनील, ब्रेकिंग मत दिखाइएगा, ये देखिएगा। और जून 2024 तक ब्रिज को उड़ाने की तैयारी में यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस, यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस विशेष ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। सीनियर खुफिया अधिकारियों के हवाले से द गार्जियन की रिपोर्ट में दावा, यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस ने जल्द ब्रिज को उड़ाने में सक्षम होने का दावा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर, खुफिया सेवा के पास कर्ज ब्रिज को उड़ाने के लिए पहले से पूरा साधन था। मैं चाहूंगा एक बार फिर से इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, एक बार फिर से दिखाइए इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की तारीख सामने आ गई है।